रावण कहते हैं भी कारों को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ करके फिर पंडित जी के पास जाते हैं ना। हाँ जी, फिर पंडित जी क्या करेगा, बुरे कर्म तो मैं नहीं करेगा। तो परमात्मा कहते बच्चे जब ये धरती पर हो जाए, आ जाओ बुढ़िया, आ जाओ, ये देखो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ आप इधर, देवी इधर आओ आप प्लीज इधर। ये धर्म की ग्रानी के थोड़ा दिखा रखे तो वो तो बहुत कुछ रहा है। समझो इसको, वीडियो बनाते हैं कि ये धर्म गलानी भगवान ने किया। बच्चे जब जब इस धरती पर पाप बढ़ जाता है और पाप के थोड़ा से दिखाया तो बहुत कुछ हो रहा है, तब तक मैं आता हूँ। कौन? परमात्मा। कह रहे हैं ये देखो ना, नंगा ना सिगरेट शराब मर्डर, फिर ये क्योंकि ये करके तो ये काम होंगे ना, फिर पूजा करी पानी मंडप और फिर मरेगी ना, और ये फिर सब कुछ करके फिर पंडित जी के पास जाते हैं ना। हाँ जी, फिर पंडित जी क्या करेगा, बुरे कर्म तो मैं नहीं करेगा। तो परमात्मा कहते बच्चे जब ये धरती पर हो जाए, आ जाओ बढ़िया, आ जाओ ये देखो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ आप इधर, देवी इधर आओ आप प्लीज इधर। ये देखो ये दिखा रखे है कि धर्म गलाने के क्या चीन है, कि धर्म की गलाने के थोड़ा दिखा रखे तो वो तो बहुत कुछ रहा है कि अपने आप एक नज़र में देख लो आप। अब आगे आ जाओ, अब ये दुनिया आप इधर हो जाओ देवी आप, ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं उसका नाम है कलयुग, जहाँ पर अधर्म और अंधकार, और ये धरती है ना ये पांच विकारों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जल रही है, और आखिर में किसी भी चीज़ का एंड होता है, हाँ सदा नहीं रहती कोई भी चीज़। तो ये दुनिया अब दी एंड पे खड़ी है बिल्कुल, क्यों हम सब बारूद के ढेर पे बैठे हैं, सिर्फ एक माच ही जल रही है, और ये दुनिया जल्दी ही आने वाली है जिसमें क्या है सत्युग जल्दी आने वाला है, इसमें सुख है शांति है पवित्रता है आनंद है, और जिसके लिए गायन है जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करते हैं वो भारत देश, ये भारत देश है। तो जब ये दुनिया खत्म होने वाली के लिए सत्युग की दुनिया आने वाली, तब शुद्ध निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये ज्ञान देते हैं संगम युवा, जिसको गीता का ज्ञान कहा गया, जिसके लिए गीता में क्या भगवानोवाच, मतलब भगवान के मुख से निकले हुए शब्द केवल एक ही शास्त्र ऐसे जिसमें भगवानोवाच है, जिसमें डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान दे, बाकी किसी की कथा कहानी किसी की गई हुई है, प्रवचन कहते हैं उसको, प्रवचन मतलब किसी के वचन, लेकिन केवल गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें डायरेक्ट परमात्मा की वाणी, और इस ऊपर कोई शास्त्र नहीं, और ये पढ़ने के बाद फिर उसको पढ़ने की कोई। तो परमात्मा यहाँ आकर हमें अपनी पहचान देते हैं और हमें अपनी भी मनुष्य की बताते हैं, जैसे अर्जुन को कहे अर्जुन आप अपने जन्म को नहीं जानते, मैं तेरे सारे जन्म जानता हूँ, और मैं अपना भी परिचय देता हूँ और सृष्टि का परिचय। तो परमात्मा आकर वो ज्ञान देते हैं संगम पर, जिस ज्ञान को सुनकर नर नारायण और नारी लक्ष्मी बनकर यहाँ जन्म। अब देखिए विचार करिए कहाँ तो ये दुनिया जहाँ पर 100% शिक्षा शिक्षा, और इसका प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण जल्दी ही आने वाले हैं, और ये दुनिया जन्म है, जन्म मरण से न्यारा है। परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव निराकार इस समय धरती पर आए हुए हैं, ये संगम युग है, ये कलयुग है और ये सतयुग है, इन दोनों के बीच का छोटा सा संगम युग है लगभग 100 साल का। परमात्मा आके हमारे को गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, गीता का ज्ञान क्या है, अपनी और हमारी पहचान बता रहे हैं भी मैं कौन हूँ और आप कौन है, मैं आपका पिता हूँ परमात्मा बोलते हैं उसको, और आप मेरे बच्चे हो। हमारी जो आत्मा है वो शरीर छोड़ती है तो भगवान जैसे कहते हैं ना, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, कहते हैं मैं तो अकेला ही रहता हूँ परम धाम में रहता हूँ, और जो आपकी आत्मा है वो आपके शरीर में रहती है, जब वो शरीर छोड़ती है तो वो दूसरा शरीर ले लेती है। शोभा भी नहीं, परमात्मा ने बताया कि युद्ध का हमारे अंदर जो असुरी वृत्ति और दैवी वृत्तियों का जो युद्ध चलता है उसको जीतने के लिए कर्म क्षेत्र जो हम कार्य कर रहे हैं ना उसमें रहते हुए हम अपनी बुराइयों को कैसे जीतते हैं, तो गीता का ज्ञान हमारे अंदर की बुराइयों को जीतने का ज्ञान, ना कि इस युद्ध की बात नहीं है गीता के ज्ञान, और इसमें गीता में वर्णित जो युद्ध है वो हिंसक है या अहिंसक है, तो इसमें यही बताया कि हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब आ जाते हैं तो इनको जीतने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, बिना ज्ञान से हम लोभ में फंसे रहवा क्रोध भी आ जाता है, तो इस ज्ञान के बगैर हम इनको नहीं जीत पाते। तो परमात्मा
भी गीता की जो पुस्तक है वो अहिंसा परमो धर्म है, श्रीमद भगवत गीता अहिंसा पर, तो हिंसा की बात नहीं, यही इन चित्रों में दिखाया गया भी हिंसक युद्ध नहीं। भगवान कैसे अपनी बात कहते हैं? भगवान तो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु प्रकाश रूप निराकार, एक ओंकार सतनाम जैसे बोलते हैं ना, हाँ जी। अब उसने बात कहनी है तो कैसे कहेगा? मैं श्रीधारी हूँ, आपका भी श्री है, हम तो मुख से बात कह सकते हैं, हमारे ऑर्गन या सुन सकते हैं, तो निराकार जो है उसको कहने के लिए अपना ज्ञान अपनी वाणी देने के लिए किसी शरीर का आधार लेना, वो ब्रह्मा कहता है जो कि इस संस्था के फाउंडर रहे हैं। जब ये 60 वर्ष के हुए तो 1937 के अंदर परमात्मा शिव निराकार जो थे उनके तन को अधीन करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करने वाला मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा। जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है मैं प्रकट होकर इनको अधीन करके इनके अंदर अवतरित होकर के ज्ञान है। ज्ञान केवल एक और केवल एक है, इसलिए ये त्रेता राम जो है श्री कृष्ण से दो कला कम थे और त्रेता में थे। श्री राम के टाइम में 9 गद्दी चली, 8 गद्दी कृष्ण के टाइम में चली, 9वीं गद्दी राम नवमी के तौर पर त्रेता में चली और यहाँ पर 12 गद्दी चली। इसलिए राम ने कौन से विकारों को मारा? रावण कहते हैं विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अराए थे इसने और विकारों को रावण कहते हैं, ये रावण माया था। इसके बाद है दिव्य शक्ति, आत्मा के अंदर इस चित्र में अपराध शक्ति, जो शक्ति है सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, और एक है समेटने की शक्ति। तो ये चित्र में जो है काम है आपको शक्तियों के बारे में, तो भाई वो सब आपको दिखाया जो था वहाँ से बता रहे थे, द्वापर युग कलयुग क्या डिफरेंस है क्या क्या सब कुछ दिखा रहा था सामने, सब कुछ सामने दिखाया और समझाया अंकल ने जो भी थे वहाँ से लग रहे थे ड्यूटी का, बहुत अच्छे तरीके समझाया आप उन्होंने, जितना मैं दिखा सको तो दिखाया समझाया आपसे भी। आई होप आप भी कुछ ना कुछ समझोगे ही।